यूपी के बलिया जिले में 4 अगस्त को दुधिया केशव यादव की हत्या अवैध संबंधों के शक को लेकर हुई थी। इस बात का खुलासा एसपी बलिया ने मीडिया के सामने प्रेस वार्ता के दौरान किया। बता दें कि सहतवार थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव निवासी केशव यादव लोगों के घरों पर दूध दुहने का काम करता था। इसी कड़ी में वह गाँव के ही रामवचन के यहाँ भी जाता था। इस दौरान रामवचन को शक था कि केशव यादव का उसकी पत्नी से अवैध संबंध है। शक की बुनियाद पर रामवचन ने 4 अगस्त को केशव यादव की उस वक्त धारदार हथियार से हत्या कर दी जब वह अपने घर पर चारपाई पर सो रहा था। सुबह रक्त रंजित केशव के शव को देखकर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अपनी जांच को शुरू किया तो धीरे धीरे हत्या की गुत्थी सुलझती गई और नतीजा रहा कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने हत्यारोपी रामवचन को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसकी निशानदेही पर आला कत्ल कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया। सुनिए बलिया एसपी रामकरण नैयर ने घटना का खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया। जी सर, ये किस तरह का मामला था जो हत्या? जनपद बलिया के थाना सहतवार के ग्राम महाराजपुर में दिनांक 5/8/2022 को सुबह एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें जाकर के देखा गया था तो शव की शिनाख्त श्री केशव यादव जो कि महाराजपुर के निवासी थे उनके रूप में हुई थी, जिनके गले पे वार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस के लिए बिल्कुल ब्लाइंड केस था। इसके लिए एडिशनल एसपी बलिया के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया था जिससे केस का शीघ्र निवारण हो सके। और मुझे खुशी है बताते हुए कि जनपद बलिया पुलिस ने बहुत ही जल्द इस ब्लाइंड केस में टेक्निकल और मुखबिरों की मदद से प्राप्त जो भी साक्ष्य थे उसके बेसिस पर जो मुख्य आरोपी है रामवचन उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसी की निशानदेही पर मामले में जो आला कतल उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था कुल्हाड़ी में बरामद कर लिया गया है। रामवचन को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके उसमें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। जो मृतक केशव यादव अविवाहित था और गाँव में विभिन्न जगहों पर जाकर के उसके द्वारा लोगों के यहाँ पे दूध धोने का कार्य किया जाता था। इसी तरह का कार्य उसके द्वारा रामवचन के घर पर भी किया जाता था और इसी उसमें रामवचन के मन में कुछ शक हुआ था अपने परिवार के कुछ सदस्यों को लेकर के जिसके प्रति शोध में उसके द्वारा ये कार्य किया गया है।